हेलो नमस्कार, ब्रह्माचार्य में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हाई कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 74 अतिथि शिक्षकों की हाई कोर्ट में याचिका लग चुकी है, लिस्ट पहुँच चुकी है। और भी अतिथि शिक्षक हैं जो अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं, ताकि हाई कोर्ट से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। और रविकांत गुप्ता जी ने इसके संबंध में क्या कहा है, किन अतिथि शिक्षकों की याचिका लग चुकी है, किन की लगने वाली है, पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, अतिथि शिक्षकों की वो लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ जो याचिका लगा रहे हैं हाईकोर्ट में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सी अपडेट पाने के लिए। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर, आप वीडियो में बने रहे। कोर्ट केस के लिए अनुरोध कर रहा था, लगभग 74 लोगों की लिस्ट मेरे पास पहुंची है, जिनमें से कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, कुछ लोगों ने नहीं भेजे हैं। तो मैं नाम अभी आपको दिखा रहा हूं, आप लोग उस नाम को देखें और कोशिश करें कि सभी लोग अपने अपने अपनी जो जानकारी है तत्काल मुझे भेज दें, और जो उसकी फीस है, निर्धारित शुल्क है, उसे भी आप तत्काल मुझे सेंड कर दें। तो देखिए आप लोग नाम, आप लोगों के सामने अतिथि शिक्षकों के लिए WP 18935/2018 में रिव्यू पिटीशन के लिए आवेदक के नाम है। नंबर एक में सौरभ ब्यास जी हैं, सूरजमल ब्यास, रेखा बैरागी, मंगलेश बैरागी, राजेश बोहारे जी हैं, श्री जगदीश चंद्र बोहारे जी हैं, इसके बाद है रविकांत, राजा खान, नसरुल्ला खान, नारायण सोनी, बुद्धिचंद सोनी, नावल सिंह सोलंकी, मधु गर्ग, देवेंद्र कुमार सिंह, आजम खान, अरविंद नागदा, जितेंद्र मेवाड़ा, राजेंद्र कुमार, ये लोग हैं, राजकुमार साहू, जगतधर साहू, नीलेश उत्तम राव पाटिल, अजीत गुप्ता, कुंज बिहारी गुप्ता, अभिलाष लोधी, किशन सिंह लोधी, इसके आगे हैं माया सेन, प्रमोद सेन, जय किशोर साकेत, राम खिलावन साकेत, राजकुमार शर्मा, दिनेश चंद्र शर्मा, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, असरफी लाल विश्वकर्मा, पवन कुमार रजक, राम गरीब रजक, ललित कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, इन्होंने दो बार भर दिया है, ऋषभ त्रिपाठी, दिलीप त्रिपाठी, मुकेश कुमार जायसवाल, सूर्यदीन जायसवाल, लालाराम डनोरिया, राहुल गुप्ता, रामस्वरूप गुप्ता, इसके आगे हैं राजू ओमकार, मोतीराम ओमकार, हुकुम चंद्र दयाराम, उमेश कुमार लोधी, सुशील कुमार लोधी, शिवराम स्वर्णकार, धनेश्वर प्रसाद प्रजापति, योगेश तिवारी, सुनील कुमार तिवारी, रामदास, नंदलाल बरमैया, मोहम्मद अयाज, अवनीश कुमार जाटव, राहुल मेवाड़ा, मोर सिंह, आनंद मुनि, अनुज सिंह, दीपक सेन, पुनीत कुमार साहू, राजदीप, प्रमोद कुमार तिवारी, नंद किशोर श्रीवास्तव, अनिल सिंह तोमर, जहीर मोहम्मद, रविकांत शेषा, रामसागर विश्वकर्मा, कुशल प्रसाद कुशवाहा, सूरज कुमार, पूनम चमनलाल, हरबिलास बाथम, प्रीतम सिंह, भीमराम अमजद खान, मनोज कुमार, रामलाल अलसर, राजेश बहोरे, द्वारा वर्देन ने भी, हुब्बलाल केवट, रामधनी केवट, शुभम विश्वकर्मा, जवल सिंह यादव, जहीर मोहम्मद, रामचंद्र पाल, राजेंद्र कुमार पारसनाथ नाई, अर्जुन सिंह, ये इतने लोगों ने कोर्ट केस के लिए अपने अपने आवेदन, जिन्होंने आवेदन फॉर्म गूगल फॉर्म के माध्यम से भरा था, वो सब आपके सामने हैं। 73 लोगों के नाम हैं, कुछ लोगों के नाम डबल आ गए हैं तो मैं उनको हटा दूंगा, लेकिन मुझे इन सब से अनुरोध कर रहा हूं कि सभी लोग, इनके भी नाम मैंने अभी तक बोले हैं इस लिस्ट में, तो सभी लोग जल्द से जल्द अपने अपने जानकारी और अपने अपने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे वो सेंड कर दें, जिससे आगे का केस हम लोग तैयार कर सकें। तो ये 74 लोगों की लिस्ट है मेरे पास, इतने लोगों ने कोर्ट केस के लिए अपने जानकारी मुझे भेजी है।
तो आप लोग अगर इन्हें देख पा रहे हैं तो अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपनी जानकारी, अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स मुझे पीछे दिख रहे नंबर पर सेंड कर दें। और आपको ये नंबर दिख रहा है मेरा 9630342097 में, और तत्काल जिससे आप 1 तारीख को हम कोर्ट में केस को अपने सबमिट कर सकें। तो सभी लोगों से बार बार अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स भेजें, और अन्य लोग जो जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से अपना गूगल शीट भर सकते हैं और कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं। नमस्कार।